हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज़ प्रज्ञा एंड आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से किसी कार्टून कैरेक्टर को बना सकते हो। इवन आप अगर कोई जो फेमस कोई कैरेक्टर है या आप किसी सेलिब्रिटी का जो है कैरिकेचर कैसे बनाते हो, तो इसमें तो मैं आपको बताने वाली हूँ कैप्टन मार्वल का कैरिकेचर बनाना। और इसको बनाने के लिए जो बेसिक्स है ना वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब भी आप कोई कैरिकेचर बनाते हो या आपको कहा जाए कि आपको किसी कैरेक्टर को कार्टून में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल के लिए अगर आपको कहा जाए कि आपको एक स्पाइडर मैन का कार्टून कैरेक्टर बनाना है या एक कॉमिक बनानी है, तो आपको सबसे पहले उसका कैरेक्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपने स्टार्ट किया है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सिर्फ दो काम करना, आपका जो कैरेक्टर है ना उसका जो मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है आपको उसको नोटिस करना है। जैसे कि कैप्टन मार्वल जो मैंने बनाया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो इनकी जो आइडेंटिटी है, इनका जो फेस है, फेस एंड इनका जो कॉस्ट्यूम है, ये तो ये जो दो चीज़ें हैं इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है आपको। आपको चेंज क्या करना है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि ऐसा क्या हम करें कि कैरेक्टर चेंज भी ना हो और कैरिकेचर भी बन जाए, तो उसके लिए आपको ये करना है कि कैरेक्टर जो है ना उनका जो फेस है या उनकी जो बॉडी है, तो उनको उनके प्रपोर्शन को चेंज करना है। जैसे कि अगर इनमें क्या है कि मैंने इनका फेस जो है ये काफ़ी बड़ा बनाया है और बॉडी थोड़ी छोटी बनाई है, तो ये जो कैरेक्टर है ऐसे ही आप किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो। और इस वीडियो में आप इसका स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस देख सकते हो। अगर मैं इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में और बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं शॉर्टकट में ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो आपको किसी भी कैरेक्टर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका प्रोपोर्शन जो है वो चेंज करना है। लाइक आप हेड को बड़ा बना सकते हो या हेड के अंदर आप लिप्स बड़े बना सकते हो, किसी के लिप्स अगर बड़े हैं तो आईज़ बड़े हैं तो आप आईज़ को हाईलाइट कर दो, या फेस का जो शेप है उसके साथ आप कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो। सो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को देखने के बाद या वीडियो को देखने से पहले जब भी आपको लगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे और भी बहुत सारी क्रिएटिव वीडियोस आपके सामने लाती रहती हूँ। क्योंकि मैं एक टाइप की वीडियो नहीं बनाती, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाती हूँ जो भी अभी हो रहा है, जो भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हर चीज़ बताऊँ। इवन मैं जो डिज़ाइन एंड आर्ट से रिलेटेड थ्योरी है वो भी बताती हूँ अपने चैनल पर, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। और कुछ टाइम बाद मैं और भी थ्योरीज़ की वीडियो लाने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरी देखना, देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए आपको चाहिए A4 साइज़ का पेपर। A4 साइज़ का पेपर जो है ये नॉर्मली हमें जो है स्टोर्स पे मिल जाता है, और ये पेपर जो है ये है कॉटेज शीट, कोई भी स्पेशल ऐसा कुछ पेपर नहीं है जो आपको ना मिले, आप इसको ले सकते हो। और इसमें जो है हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो है डॉम्स के पेंसिल। सो डॉम्स के पेंसिल जो है ये बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली ये बच्चों वाला ही है, मैं कोई ऐसा कुछ इम्पोर्टेड पेंसिल नहीं यूज़ करती, सिंपल पेंसिल है। एंड मैंने यूज़ किए हैं कुछ जगहों पे ये ब्रश मार्कर, जहाँ पे हमें आउटलाइन करना है या बहुत ज़्यादा हमें अच्छा कलर दिखाना है वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। एंड इसमें मैंने कुछ डॉम्स के ही कुछ सिंपल पतले वाले जो पेंसिल्स होते हैं उनको भी यूज़ किया है। ये जो चीज़ें हैं ये मैं नॉर्मली अपने हर वीडियो में यही यूज़ करती हूँ। कुछ लेट्स स्टार्ट।